क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, स्टूडेंट्स हु हैव अ फिजिकल साइंस इन देयर बीएड, यस बीएड में आपने फिजिकल साइंस लिया है, अभी इसका वीडियो अपलोड साथ में किया है, वो भी देख लेना, फिजिकल साइंस इन बीएड आर एलिजिबल फॉर टीजीटी मास्टर केडर 10वीं तक पढ़ाने के लिए, साइंस पढ़ाने के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, नॉट, दे आर नॉट एलिजिबल। कारण ये है कि फिजिकल साइंस की है आपको पेडागोजी ऑफ साइंस करनी चाहिए, और साइंस के लिए बाद में आपको ग्रेजुएशन में पहले बाद में भी कर सकते हैं, एडिशनल होता है नहीं होता अभी मुझको फाइनल नहीं है, पता चला इंक्वायरी करके आपको बता दूंगा अगर कोई यूनिवर्सिटी करवाती हुई तो आपको दो साइंसेज, फॉर एग्जांपल फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इनमें से दो साइंसेज आपको पढ़ी होनी चाहिए क्योंकि साइंस इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है। एंड स्टूडेंट हैविंग साइंस इन बीएड एलिजिबल फॉर पीजीटी इन साइंस टीचर, हाय शाबाश, गुड क्वेश्चन पूछा आपने, मैं मिस करने लगा था, सॉरी। अच्छा, स्टूडेंट्स हैविंग साइंस, जिन्होंने साइंस पढ़ी है पेडागोजी बीएड में, ये हो गई बीएड में पढ़ी है एज ए पेडागोजी, क्या वो एलिजिबल हैं पीजीटी के लिए साइंस पीजीटी के लिए फॉर साइंस टीचर? रजे एक गड़बड़ होगी, पीजीटी जब आएगा ना, जब पीजीटी आएगा तो साइंस नहीं आएगा, पीजीटी तो आएगा, वो आएगा आपका पीजीटी फॉर फिजिकल साइंस, पीजीटी फॉर लाइफ साइंस, तो आपने ये पढ़ा हुआ होना चाहिए, फिजिकल साइंस लाइफ साइंस प्लस आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आपको अलग से समझा दूं, गुड क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पर चलते हैं, यहाँ है चलता, ये है, अच्छा ये है कि ये रहा आपका बीएड, नहीं पहले बीए कर लें, ये हो गई बीए, ये पहले हो गई बीए, बीएससी है ना, बीएससी, बीएससी में आके अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ी है ना, तो आपने बीएड में ले लिया, मान लीजिए आपने बीएड में ये बच्चा ले सकता था, इन्होंने ले लिया साइंस, साइंस क्योंकि इन्होंने दो साइंस पढ़ी हैं, तीन ही पढ़ी हैं, तो ये टीजीटी के लिए साइंस के लिए एलिजिबल हैं, ठीक, इनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए इस बच्चे ने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी है, फिजिक्स बायो नहीं पढ़ी, इसने इस पर फिजिकल साइंस ले ली, फिजिकल साइंस है ना, तो इसको केमिस्ट्री की एमएससी करनी पड़ेगी, फिर ये पीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए फिजिकल साइंस के लिए, फिजिकल साइंस के लिए एलिजिबल होंगे, है ना, फिजिकल साइंस पढ़ी है तो भी यही है, बायो पढ़ी है तो इनको लाइफ साइंस बीएड में सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, और जो है पीजीटी लाइफ साइंस के लिए ये एलिजिबल होंगे। तो ये बन रहा है, मतलब अगर स्पेसिफिक सब्जेक्ट एक बनता है तो आपको एमएससी भी करनी पड़ेगी, फिर पीजीटी के लिए सिर्फ एलिजिबल हो रहे, टीजीटी के लिए ये फिजिकल साइंस वाले जिन्होंने की है, ये साइंस मास्टर केडर टीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं है, और ये लाइफ साइंस वाले, लाइफ साइंस वाले भी साइंस के लिए एलिजिबल नहीं है, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए है, ठीक है, थैंक यू।